हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हार्ड डिस्क का पार्टीशन करने के लिए बताऊंगा कि इसके पार्टीशन का नाम कैसे रखा जाता है, सिम्बॉल कैसे रखा जाता है, इसके बारे में सारा जानकारी इसमें बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा होगा, यही हार्ड डिस्क है। जितना भी हम लोग कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते हैं, यही हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। और आज मैं इसी हार्ड डिस्क का पार्टीशन करने के लिए बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हार्ड डिस्क का पार्टीशन करने के बाद किस तरह से दिखता है, तो चलिए मैं आपको माई कंप्यूटर खोल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जब मैंने लैपटॉप खरीदा था तो एक टीवी का हार्ड डिस्क दिया था, मैं उसे पार्टीशन करके अलग अलग पार्ट में इसे मैं डिवाइड कर दिया हूँ। अगर आपको भी हार्ड डिस्क पार्टीशन करना है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आगे, माय कंप्यूटर या माय पीसी पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक मैनेज ऑप्शन है, मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज क्लिक करने के बाद एक नीचे देखिएगा स्टोरेज है, स्टोरेज के नीचे एक डिस्क मैनेजमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, जितना भी मैंने हार्ड डिस्क का पार्टीशन किया है वो यहाँ पर दर्शा रहा है। तो मान लीजिए कि जो वॉल्यूम जेड है, ये मान लीजिए कि आपका एक हार्ड डिस्क है, इसका आपको पार्टीशन करना है। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। श्रिंक वॉल्यूम करने के बाद देखिए यहाँ पर एक, यहाँ देखिए इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB। यहाँ पर जितना भी आपको MB डालिएगा वही आपको GB में कन्वर्ट होगा। मतलब कि आपको अगर देखिए यहाँ ये 7.81 GB का है, तो आप मान लीजिए कि इसे दो पार्ट में करना चाहते हैं, तो 3-3 GB में करना चाहते हैं तो यहाँ पर MB में डालना होगा। तो 1024 MB बराबर 1 GB होता है, तो हम यहाँ पर 3000 डाल देते हैं। 3000 डाल दिए और यहाँ पर सीलिंग पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक नया सा एक पार्ट आ गया है जो अनलोकेटेड है, 2.93। अब सोचिएगा 3000 डाले हैं तो 3 GB क्यों नया, 2.93 क्या, क्योंकि 1024 MB बराबर 1 GB होता है, मैंने पहले बताया था। तो ये 24 GB जो कट के जितना बचा उतना यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखिए ये वॉल्यूम जेड जो था वो लगभग 7 GB का था, अब देखिए एक तरफ 4.88 GB बच गया है और एक तरफ 2.93 GB बच गया है। अब हम चाहते हैं कि इसका कोई नाम होना चाहिए, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से चूज कर लेंगे वॉल्यूम का जो भी सिंबल होगा उसे चूज कर लेंगे, QY WV WX, कुछ भी हम सेव कर लेते हैं, इसे हम यहाँ पर R सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस वॉल्यूम का, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम लेबल है, हम चाहते हैं कि इस वॉल्यूम का कोई नाम रखना चाहते हैं, जैसे हम अपना नाम रखना चाहते हैं या वो जो पार्ट है उसका कोई स्पेशल नाम रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसका नाम आप रख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कर देते हैं, अब यहाँ से फिनिश कर देते हैं। अब देखिए इसका एक नाम आ गया होगा, देखिए न्यू वॉल्यूम R 2.93 GB। अब हम इसे माई कंप्यूटर में जाके देखते हैं कि ये पार्ट बना है नहीं बना। अब देखिए न्यू वॉल्यूम R यहाँ आ गया है, मतलब कि यहाँ जो मैंने पार्टीशन किए थे जेड का वो यहाँ सही हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ड डिस्क का पार्टीशन किस तरह से किया जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो लाइक करें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।